फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी मिश्रा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनपुर में। तो आज मैं आपको बैग ब्लाउज डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। मैंने ब्लाउज की लेंथ देखी, 13.5 इंच रखी हुई है। अब मैं आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ सब। तो मैं 3 इंच की चौड़ाई यहाँ से गले की दे रही हूँ, यहाँ से मैं मार्क कर देती हूँ। और नीचे के साइड भी 3 इंच की चौड़ाई देंगे, यहाँ से भी मार्क कर देंगे। पहले हम गले की मार्किंग को बराबर करके स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब गले का लेंथ लेंगे तो मैं, चलिए गले का लेंथ 10 इंच रख रही हूँ, 10 इंच से मार्क कर देंगे। इसको मैं बराबर कर देती हूँ। अब मुझे गले की डिज़ाइन बनाना है तो उसका मैं मार्किंग करती हूँ। ये देख लीजिए, मैंने यू में वी शेप में डिज़ाइन का मार्किंग किया है। नीचे के साइड से भी मैंने थोड़ा सा मार्किंग कर दिया 1 इंच की लंबाई में। अब इसको देख लीजिए, मैंने गले को नीचे के साइड से पूरा कट कर दिया है अस्तर को। अब ब्लाउज़ का कपड़ा बिल्कुल बराबर में ले लेंगे। अब इसके बाद हम इसका भी गला सेम इसी तरीके से कट कर देंगे। देखिए, मैंने गले की कटिंग कर दी है और नीचे के साइड की भी मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको मुझे स्टिच करना है। दोनों को बिल्कुल बराबर में कर लेते हैं। अब हम एक सिलाई लगा के पहले हम गले को स्टिच करेंगे। तो मैंने गले को कम्प्लीटली स्टिच कर लिया है। अब पहले मैं इस पर कट्स लगा दूंगी। तो उससे पहले मुझे नीचे के साइड से भी स्टिच करना है, तो नीचे के साइड से भी स्टिच कर लेते हैं पूरा। तो मैंने नीचे के साइड से भी स्टिच कर दिया। अब हम इस पर कट्स लगाएंगे दोनों साइड से। तो अच्छे तरीके से दोनों साइड से कट्स लगा देते हैं। नीचे के साइड से मैंने लगा दिया। अब मैं गले पे भी लगा देती हूँ कट्स को। तो मैंने देखी कट्स लगा दिए। अब इसको हम उलट कर सीधा कर देते हैं। तो ये देखिए, मैंने ब्लाउज को उलट कर सीधा बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिया। अब गले को हम एक बार फिर से स्टिच करेंगे। तो मैंने कम्प्लीटली पूरा गला देखिए स्टिच कर लिया है। अब ब्लाउज की हम पूरी स्टिचिंग कर लेते हैं, ऑलराउंड स्टिचिंग बिल्कुल बराबर करते हैं। पूरा स्टिचिंग आप भी कर लीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ। तो दूसरे साइड से भी बराबर करते हैं, पूरा स्टिच कर देंगे। तो मैंने बिल्कुल अच्छे से स्टिचिंग कर दी है। अब मुझे ऊपर के साइड से स्टिच कर नीचे के साइड से स्टिच करना है। इसको हम बिल्कुल सही से बराबर करते हो, डिज़ाइन को बनाते हो, पूरा सिलाई लगा देंगे। तो मैंने कम्प्लीटली पूरे ब्लाउज की देखिए स्टिचिंग कर ली है। मुझे डिज़ाइन करना है तो इसको साइड कर लिया है। और गले में से ये जो अस्तर का कपड़ा निकला था, इस पर मुझे डिज़ाइन करना है। तो मैं देखिए मार्किंग कर ली हूँ। अब इसको मैं कट कर देती हूँ। अब मैंने ये बकरम लिया है, तो आप भी बकरम ले लीजिएगा। इसको बिल्कुल बराबर करके फिर इसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो स्टिचिंग के लिए भी मैं रख रही हूँ इस तरीके से। आप भी को जितना स्टिचिंग मिलाना उतना रख लीजिएगा, इसके बाद इसके बराबर में मार्क कर लीजिएगा। अब हम यहाँ से फोल्ड कर देते हैं जहाँ से मुझे स्टिच करना है इसको। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है। अब इसको मैं कपड़े के साथ में स्टिच करूँगी। तो ये मैंने देखिए ब्लाउज का कपड़ा ले लिया है बिल्कुल बराबर करते हुए। अब मैं अस्तर ले लेती हूँ, उसके नीचे के साइड अस्तर को भी रख देंगे। अब बिल्कुल बराबर कर देते हैं तीनों को। अब एक सिलाई लगा के इसको हम स्टिच कर रहे हैं। देख लीजिए कहाँ से मैं स्टिच कर रही हूँ, जहाँ से मैंने मार्किंग किया था सेम उसी जगह से स्टिचिंग भी कर रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको निकाल देंगे पूरा। तो मैंने निकाल दिया, पूरा कट्स लगा देंगे इसके ऊपर से। तो मैंने कट्स लगा दिया। अब इसको हम उलट कर सीधा कर देंगे। मैंने ये सीधा कर लिया। एक सिलाई लगा के हम इसको फिर से स्टिच करेंगे। अब हम इसके साइड साइड से भी स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने स्टिचिंग कर दी है इसकी। अब मुझे इस पे डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम डोरी बनाएंगे। तो मैंने ये कपड़ा लिया, इसका मैं डोरी स्टिच कर लेती हूँ। डोरी मैंने बना लिया है। अब इसको हम उलट कर सीधा कर देंगे डोरी को। तो मैंने देखिए डोरी पूरी सीधी कर ली है।
अब इस डोरी से चलिए मैं 1.5 इंच की लंबाई या फिर 2 इंच की जितना आपको लेना हो ले लीजिएगा पट्टी की। अब इसके बाद मैं 1.5 इंच की लंबाई में पूरा पट्टी को कट कर रही हूँ, इसी बराबर में आप भी कट कर लीजिएगा। मैंने देखिए पूरी पट्टियों को कट कर दिया है। अब इसको मुझे जो डिज़ाइन बनाया है उसके ऊपर स्टिच करेंगे। तो उसके साइड में कैसे मैं स्टिच कर रही हूँ डिज़ाइन के साइड में, आप वीडियो में देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे मैं लूप्स को स्टिच कर रही हूँ इसके साथ में। इस तरीके से सेम आप भी लूप्स को बनाते हुए स्टिच कर लीजिएगा। ये देख लीजिए मैंने पूरे अच्छे से लूप्स को बनाते हुए स्टिच कर लिया डिज़ाइन के साथ में। अब इसके साइड में हम लेस लगाएंगे और कहाँ से लगाएंगे आप वीडियो में देखते रहिए, और इसी तरीके से सेम भी आप भी लेस लगा दीजिएगा पूरे जो मैंने डिज़ाइन बनाया है उसके ऊपर। ये मैंने एक साइड से लेस को स्टिच किया, दूसरे साइड से भी मैंने कम्प्लीटली कर लिया लेस को स्टिच, ये देख लीजिए। अब इसके जो साइड में मैंने लूप्स बनाए उस पर मुझे मोती लगानी है, तो मैं मोती अच्छे तरीके से यहाँ से लगा देती हूँ। तो मैं कैसे मोतियों को लगाऊंगी आप वीडियो में देखते रहिए, सेम ऐसे ही आप भी मोतियों को लगा दीजिएगा। तो जैसे मैंने देखे मोतियों को लगाते हुए दिखाया था, सेम हम पूरे लूप्स पे मोतियों को लगा देंगे। तो मैंने कम्प्लीटली पूरा मोती लगा लिया है, गोल्डन कलर की बड़ी वाली मोती का यूज़ कीजिएगा। अब इसको मैं ब्लाउज के साथ में बिल्कुल बराबर करते हुए ज्वाइंट कर देती हूँ। तो मैंने कम्प्लीटली देखिए ब्लाउज के साथ में डिज़ाइन को स्टिच किया है, कर लिया है। अब मैं लेस ली हूँ और इसके गले पे अच्छे तरीके से लेस को स्टिच कर लेंगे। मैंने एक साइड से लेस को स्टिच कर लिया है, दूसरे साइड से भी मेरा कंप्लीट हो गया है समझ लीजिए। तो मैंने कम्प्लीटली पूरा लेस गले पे स्टिच कर दिया। नीचे के साइड से मैं ट्रक्स लगा लेती हूँ, इस तरीके से आप भी नीचे के साइड से ट्रक्स बना लीजिएगा। तो मैंने एक ट्रक्स बना लिया, दूसरे साइड से भी सेम ट्रक्स बना लेंगे। देखिए मैंने कम्प्लीटली पूरा ट्रक्स की स्टिचिंग कर ली है। अब मैं नीचे के साइड से भी लेस को लगाऊंगी, तो नीचे के साइड से भी मैं लेस लगा देती हूँ। अब मैंने लेस लिया, नीचे के साइड से लेस को अच्छे तरीके से स्टिच कर देते हैं। एक साइड से मैंने लेस लगा दिया है, दूसरे साइड से भी स्टिच कर लिया है कम। तो मैंने दोनों साइड से कम्प्लीटली लेस को बना दिया। मुझे बीच से डिज़ाइन बनाना है, इसको साइड करेंगे। और ये मैंने डोरी लिया है, इस डोरी के साइड में मुझे फ्लावर्स बनाने हैं, तो चलिए मैं फ्लावर्स बना के दिखाती हूँ। ये मैंने देखिए स्क्वायर साइज के कपड़े ले लिए हैं कुछ। अब इसका मैं आपको फ्लावर्स बना के दिखा रही हूँ। तो कैसे मैं बना रही हूँ आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, सेम ऐसे ही आप भी बना लीजिएगा। ये मैंने एक बना दिया, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दीजिएगा। अब इसको हम उलट कर सीधा कर देंगे। ये मैंने ऐसे बनाया है, सब पे बना लेंगे। मैंने कम्प्लीटली पूरा बना दिया है। अब इसको मुझे ब्लाउज के साथ में अटैच करना है, तो मैं ब्लाउज ले लेती हूँ और इसके यहाँ से बिल्कुल बराबर करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ से अच्छे तरीके से हम इसको स्टिच कर देंगे पूरा। ये देखिए मैंने स्टिचिंग कर दी है डोरी की। अब यहाँ से हम डोरियों को इस तरीके से बना लेंगे फ्लावर की तरह, और इस पर हम सिलाई लगा देते हैं। अब ये मैंने देखिए बटन लिया है, 100 बटन आप भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मोती भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने 100 बटन लगा दिया है। मेरी ब्लाउज डिज़ाइन देखिए कंप्लीट है। ये ब्लाउज डिज़ाइन कितनी ब्यूटीफुल लग रही है।
अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलिएगा इस डिज़ाइन को। और अगर आपने मेरे इस चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर इनेबल कर दीजिएगा ऐसे लेटेस्ट डिज़ाइनर ब्लाउजेस एंड ड्रेसेस देखने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।